हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू केवी एकेडमी इन सर्च ऑफ इनक्रेडिबल्स। ये आपका असम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का नया पार्ट, इसमें हम आपका सोशल स्टडीज का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे थे और ये आपका पार्ट 6 है। इससे पहले मैंने आपको 5 पार्ट्स दे दिए, इसमें हम सारे के सारे आपका लेटेस्ट पैटर्न क्वेश्चंस कर रहे हैं जो कि आपका प्रीवियस ईयर में आ चुका है और जो नहीं भी आया और आ सकता है। तो ये आपका एससीईआरटी एनसीईआरटी पैटर्न क्वेश्चन है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एससीईआरटी एंड एनसीईआरटी लाइंस जो मैंने बुक से निकाला है उसका आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज मैं आपके लिए बना रहा हूँ। ये तो आपका एसएसटी का सीरीज है जो कि सोशल स्टडीज का, इससे पहले मैंने 5 पार्ट्स दे दिए और यहाँ पे आपको आई बटन में जाके आप देखेंगे तो स्टैटिक जीके का पूरा मैंने प्लेलिस्ट आपको पिन कर दिया है यहाँ पे। तो यहाँ से आप स्टैटिक जीके के कम से कम 10 पार्ट्स एक्सेस कर सकते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो भी आपका बिल्कुल एससीईआरटी बेस्ड है जो कि एग्जाम में आने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। द रेंज ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य बिफोर क्रैश 298 टू 273, 324 टू 299, 261 टू 236, 280 टू 255। तो अप्रोक्सीमेटली आपसे पूछा जाता है, इसका करेक्ट आंसर अप्रोक्स आता है 324 टू 299 में, ठीक है। द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ पल्लवास वाज, ऑफिशियल लैंग्वेज पल्लवास का क्या था, तमिल, पाली, संस्कृत या फिर खारोस्ती। द करेक्ट आंसर विल बी संस्कृत, संस्कृत आपका ऑफिशियल लैंग्वेज है। The line that adjoins different places with same pressure are known as. तो जब भी आपको same pressure का बात करेगा तो आपको याद रखना answer बनता है आपका isobar, ठीक है, isobar। लेकिन अगर same temperature का बात कर दे, तो ये आपका isotherm हो जाता है answer। तो मैं यहाँ पे side में लिख देता हूँ, for same temperature it is isotherm। इस type का question बहुत बार geography से आपका पूछा जाता है और ये बहुत important question बनता है exam perspective से। तो next question की ओर चलते हैं, आपको ये ध्यान रखना है। इन इंडिया नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर, तो ईयर रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया और ये नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन NHRC ये बहुत बार आपको एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका 1993। और आप सोच रहे होंगे कि ये बेस्ट क्वेश्चंस में लेके कहां से आता हूं, तो आपका सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करता हूं, साथ में आपका जो एससीईआरटी और एनसीईआरटी का जो बुक होता है उसका जो वन लाइनर है और एमसीक्यू क्वेश्चंस है उससे ज्यादा कंटेंट लेता हूँ क्योंकि वहां से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा उठते हैं एग्जाम में और वहीं से ज्यादातर एग्जामिनर क्वेश्चंस बनाते हैं, पूरा का पूरा एनसीईआरटी या एसएससी क्वेश्चंस बनता है। उसके बाद जो है आपका द पर्सन हु वाज नेम्ड एज टाइगर ऑफ मैसूर, तो पहला ऑप्शन है टीपू सुल्तान, हैदर अली, सफदर अली या फिर फादेक हैदर। द करेक्ट आंसर विल बी टीपू सुल्तान, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर फॉर यू। तो ये क्वेश्चंस को एनालाइज करना पड़ता है और साथ में आपका इस ईयर में मैक्सिमम क्वेश्चंस आए हैं वो क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आता हूं, तो बहुत चांसेस है असम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में और असम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस हमेशा रिपीट होते हैं, तो बहुत चांसेस है कि इनमें से ज्यादातर क्वेश्चंस आपको देखने को मिले। टाइम टू टाइम इस प्लेलिस्ट को देखते रहिए, प्लीज डोंट मिस द वीडियोस। व्हिच ओशियन हैज 1/3 ऑफ लैंड सरफेस इन द वर्ल्ड, इंडियन ओशियन, आर्कटिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन या अटलांटिक ओशियन। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी पैसिफिक ओशियन, आपका करेक्ट आंसर बनता है इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द साइंस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग मैप इज कॉल्ड, कंस्ट्रक्टिंग मैप के लिए जो साइंस यूज होता है तो इसे डेमोग्राफी, टोपोग्राफी, कार्टोग्राफी या फिर ज्योग्राफी कहते हैं। तो कार्टोग्राफी जो करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर बनता है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पर्सन हु एस्टैब्लिश्ड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी रॉबर्ट क्लीफ, डुप्लेक्स, मिर्जाफर या फिर हेस्टिंग्स। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट क्लीफ ने आपका ब्रिटिश रूल को इंडिया में। डोल्ड्रम्स लाई रफली बिटवीन, तो 30-40 नॉर्थ साउथ लेटीट्यूड, 5-30 नॉर्थ एंड साउथ लेटीट्यूड, 35-60 नॉर्थ साउथ लेटीट्यूड या 5-50 नॉर्थ साउथ लेटीट्यूड। तो ये जो डोल्ड्रम्स है इससे बहुत सारा क्वेश्चंस बहुत बार बन चुका है और इसका एक्स्ट्रा भी बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन है, तो ये क्वेश्चंस में आपको, ये क्वेश्चन में आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, इसका आंसर तो आपको कमेंट करना ही और साथ साथ डोल्ड्रम्स के बारे में सारा कुछ पढ़ लेना है ताकि और भी कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन आए तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। पंडित बिरजू महाराज जो है वो किस डांस से एसोसिएटेड है, सो द फेमस पर्सनालिटी का नाम आपसे पूछा जाता है कि वो किस डांस से एसोसिएटेड है, कथकली, ओडिसी, भरतनाट्यम या कथक। सो ही इज अ फेमस डांसर ऑफ कथक, ये बहुत बार पूछा जा चुका है आपको इनका नाम। और कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि डांस दे दिया होता है और बोलता है कि कौन से फेमस पर्सनालिटी इससे रिलेट करते हैं, तो ये भी आपको देखना है। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द आर्टिकल विच डील्स विद चाइल्ड लेबर, चाइल्ड लेबर से जो ये आर्टिकल है तो आर्टिकल 41, आर्टिकल 23, आर्टिकल 45 या आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 ही जो करेक्ट आंसर, इसमें यह बताया गया है कि कोई भी 14 ईयर से, मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ इसमें क्या बताया गया आपका, इसमें यह कहा गया कि कोई भी 14 ईयर से कम एज के बच्चे होंगे तो उन्हें फैक्ट्री या इंडस्ट्री में काम करने को फोर्स नहीं किया जा सकता और जो कोई काम नहीं करवा सकता, मतलब ऐसा कहा गया है इस आर्टिकल में।
तो मैं यहाँ में फैक्टरी लिख के कट कर देता हूँ कि आपको समझ में आ जाएगा। 14 से कम एज नहीं करेंगे। हु इज नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? कार्ल मार्क्स, जॉन मार्शल, मेल्थस या फिर एडम स्मिथ। तो सबको ही पता होगा फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हमारे एडम स्मिथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेसिक फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक्स आर प्रोडक्शन लेबर इनकम, प्रोडक्शन लेबर कंजम्पशन, प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन इनकम या प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन कंजम्पशन। सो द करेक्ट आंसर विल बी प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन कंजम्पशन जो है हमारा वो आपका बेसिक फीचर्स होता है। ठीक है, प्रोडक्शन करना, डिस्ट्रीब्यूट करना और उसका कंज्यूम। द किंग हु इन्वेडेड इंडिया मेनी टाइम्स टू कैप्चर पंजाब बिफोर द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, तो मोहम्मद गोरी, औरंगजेब, अहमद शाह अब्दाली, गजनी मोहम्मद। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज अहमद शाह अब्दाली इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, द लॉन्गिट्यूड दैट डिटरमाइंस द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पासेस थ्रू द सिटी ऑफ, किस सिटी से ये पास करता है? तो जयपुर है, विशाखापट्टनम है, अलाहाबाद है और जबलपुर है, तो इनमें से किस सिटी से पास करता है? तो अलाहाबाद इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर बनता है फॉर दिस क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑफ द जो आपका ज्योग्राफी से रिलेटेड है। द एटमोस्फेरिक लेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेदर चेंज, वेदर चेंज के लिए कौन सा एटमोस्फेरिक लेयर रिस्पॉन्सिबल है? तो ट्रोपोस्फेयर, एनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर या स्ट्रेटोस्फेयर। द करेक्ट आंसर विल बी ट्रोपोस्फेयर, आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर बनता है इस क्वेश्चन के लिए, ऑप्शन नंबर बी जो करेक्ट आंसर। अगर कभी भी ओजन लेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो कौन से लेयर का बात होता है इसमें? तो ओजन से रिलेटेड जो भी होगा वो आपका स्ट्रेटोस्फेयर का बात होता है। और ओजन लेयर में आपका ओजन जो डिप्लीशन होता है उसमें आपका कौन सा रे रेस्पॉन्सिबल है? तो यूवी रेस रेस्पॉन्सिबल है। तो आप इस तरीके से रिलेट करके याद कर सकते हैं इसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ट्रिब्यूटरी ऑफ कावेरी? तो काविनी, भाविनी, बेटवा या फिर हेमावती। सो ये जो तीन है आपका, काविनी, भाविनी और हेमावती, ये तीनों आपका ट्रिब्यूटरी है कावेरी का। आपसे पूछा गया है विच इज नॉट, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर बनता है, बेटवा। ये आपका जो है करेक्ट आंसर बनेगा, नॉट द ट्रिब्यूटरी ऑफ कावेरी, इट इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना। आपको ये भी याद रखना है कि ये किसका ट्रिब्यूटरी है, तो इट इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना। सो दिस आर द बेस्ट क्वेश्चंस ऑफ क्लास। और भी कुछ क्वेश्चंस बचे हैं, हम देख लेते हैं। खेर पूजा इज द इंपॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर या फिर कर्नाटक। तो खेर पूजा कहाँ पे होता है? खेर पूजा आपका त्रिपुरा का फेमस पूजा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। विच नाइबरिंग कंट्री शेयर्स लार्जेस्ट लैंड बॉर्डर विद इंडिया? तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना या फिर म्यांमार। तो आपको पता ही होगा कि बांग्लादेश हमारे साथ सबसे ज्यादा बॉर्डर साझा करता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर बनता है इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। दिस आर द बेस्ट क्वेश्चंस ऑफ द प्लेलिस्ट। आपको और जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराए हैं DHS या DME को लेके, जो ग्रेड 3 ग्रेड 4 का, उसका सारा प्लेलिस्ट आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ आपका जो भी पार्ट है SST का, जितना भी पार्ट मैंने इससे आगे कराया, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में आपका स्टेटिक GK और असम का जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, असम GK या असम हिस्ट्री, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही साथ इंग्लिश का भी मेरा प्लेलिस्ट चल रहा है, जाके उसे एक्सेस कीजिए। मैथ्स का प्लेलिस्ट चल रहा है, आपको सारा कंटेंट इस चैनल में मिल रहा है। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपसे कोई भी वीडियो ना बचा रहे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और मैं जो भी कॉमेंट करने को आपको देता हूँ answers, प्लीज उसे कॉमेंट कीजिए। ये आपकी तरफ से मेरे लिए मोटिवेशन होगा। और लाइक और सब्सक्राइब चैनल को करते रहिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद KV Academy।